कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं। अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की ना बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छटा पीडिया डफर कह जा रहे हैं, गुनाह मिलेगा आपको इसका। ये क्लास में भी ना बार बार खाना खाती रहती थी और अभी सहेलियों का चेहरा तो देखिए कैसा लटका हुआ है, इसलिए तो पूछूं कि बिरयानी कब आएगी अम्मा, बिरयानी कब आएगी अब्बा, बिरयानी कब आएगी? आ जाएगी बेटा। गाइस चैनल सब्सक्राइब करो, आप अगड़ा व्लॉग बनाने जेड़ा गाइस गाइस चलो यार देखते हैं, छोड़ो परे ओ बस करो, चलो बहुत बोल दे तुसे, चुप करो। क्या कर रही हो? नाश्ता कर रही थी। हां वो देख ही रहा था उन्होंने। आपने तो कहा था कि टेबल पे बैठ के खाना खाया करो। हां मैंने ही कहा था, लेकिन रस का पैकेट इस तरह खोल के बैठ के, ये कोई तरीका थोड़ी है, प्लेट नहीं है, ट्रे नहीं है, खालदा एटिकेट्स। ਚਾਹ ਜੇ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਟੀਕੇਟਸ ਖਾਈਏ ਸੱਸ, ਬਿਗੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਖਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਸ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੱਸੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਚ। ਜੀ ਖਾਲਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾ ਇਸਕੀ ਅੰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਛੋੜ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅੰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ सर्वर साहब, जो इटली से वो डिनर सेट लाए थे ना, वो निकाल लो, उसी में आज मेहमानों को ना खाना खिलाएंगे हम, ठीक है ना? जी जी। अरे तोड़ देना, नाश्ता भी तो नहीं किया। ऐसी भी क्या जल्दी थी जो तुझे नाश्ते के बगैर भेज दिया? उनकी फ्रेंड्स ने आना था। ओ एक ही देता था सिस्टम, भी इन्हें थोड़ा जाहिल समय दे है, बड़ा भी ये पेंटू अनपढ़ गवार, मैनर्स नहीं है के ये दिखाया। इतना भी नहीं सोचा कि मेहमानों के घर आने पर तुझे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है? उन्होंने भेज दिया, मैं आ गई। वो नहीं चाहती वाली सिद्धि है तो उनकी दोस्तों के सामने जाए, बिल्कुल ही बावली है। तंग आ चुकी है इसकी बेवकूफियों से, अजीज आ चुकी है इसकी कमकली से। परेशान नहीं होना अम्मा। तुम और अच्छा क्या बना लेती हो? मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर। अच्छा तो फिर सुनाए। मतलब ये सारा कुछ नहीं होता। जरा आप उसका 125 का पहाड़ा सुनाए जरा। 125 देखा, झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोलता मैं। तो फिर क्या मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं मगर 125 को क्या 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 कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। 125 का पहाड़ा सुनाए तो फिर मैं मानूंगी। हाँ मेनू कोई पहाड़ा नहीं आता वीर, सीधी जी गल है, मैं तो दसदा भी भुल जाना। कदे ये लोड पई नहीं हुण, कदे भरावा पता नहीं याद है कि नहीं, जदों बोल के देखांगे उदों पता लगूगा। ओ इंप्रेस हो गई उहदे पहाड़े ते। आप तो शाकारो, आप पहला का जुआ हो, आप तो एक मोजा हो। सही गल है। उसने कहा था माजबीन तेरी शादी एक शहजादे से होगी। बड़ा ही कोई फारिग तरीन शहजादा होगा जो तुझसे ब्याह रचाएगा, है ना? जा जाके यूनिफॉर्म बदलने, हो सकता है अगले साल फिर काम। अगले साल कहते फिर काम आ जाए। अच्छा वो एक पहले नाटक आया सीगा जी, जो भोला बनया हुंदा, वो जो मुंडा थोड़ा दिखाया हुंदा है ना, एदे च कुड़ी दिखाई है। ज्यादा भी नहीं गए उथे, ज्यादा थोड़ा हां मुंडा थोड़ा ज्यादा एडवांस जा दिखाउंदे आ, ए च एडवांस नहीं मतलब भोला ज्यादा एडवांस। यार म्यूजिक कितना सोना पीछे, नाइस बैकग्राउंड स्कोर, सुपर्ब है, ड्रामा देखना भाई। कुछ मारोगे जाके? नहीं प्रीति यार की लगनी।
है ना? मेरी सिस्टर की लग रही है, लग रही है नहीं लग रही तो लग रहे सौ क्या है 100 रुपए चाहिए 100 रुपए का एक नोट चाहिए 100 रुपए ए हस्बैंड आ रहा हाँ जी छानी नहीं आ उधर मम्मी है मम्मी और फिर हस्बैंड उधर की कर रहे हैं जी भाई सी बिच बोल बोल रहे हैं हाँ जी कंफ्यूजन हो रही ना थोड़ी बहुत हस्बैंड ही ज्यादा शुरुआत से दिखाया हस्बैंड दिखाया जी कुड़ी गलते आना थोड़ा मैं पहले ही कहता कि वो मेरी सिस्टर की लग रही है प्रीति दीदी वो एक्सप्रेशन में आंदी थोड़ी जल प्रीति दीदी थोड़ी ही लग रही है हां चलो अरे अरे मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम हां मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम 100 रुपए तो मंगे से ओ मम्मी ने देख लेना पहले ही बहुत बिगड़ी हुई और ना बिगाड़े खर्ची की आदत ना डालें नहीं मैं वो खर्ची अजय के दे पोली है पोली है पोली के नहीं पोली नहीं है क्या बोला बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत गया था अभी क्या बोला हाँ कुछ नहीं मुंडा बेचारा और बावली क्या बोला हाँ मंच बोला मंच हाँ। बोला बावली मुझे भी तो बावला कहती हो तो बावली को तो बावली कहते हैं ना तुम हो ना बावली मैं बावली नहीं हूँ तुम बावले हो अपनी कोई बातें नहीं देखी तुमने बावला तेरा पूरा खानदान बावला है जाओ हाँ जा रही हूँ वैसे आपस की बात है ये जो बड़े घरों की बहुएं होती है कहाँ खिदमत करती है अपने सास ससुर की लेकिन मैं तो दिन रात एक कर दूंगी आपकी खिदमत करने में आप प्लीज अपने बेटे से कहना कि मुझे तलाक ना दे है ठीक है अरे आप तो बहुत अच्छे हैं मैं तो खामा खा आपसे डर रही थी अच्छा वो खाला जाने आपसे शादी कर ली एक दफा सामियात की किताब में पढ़ा था मैंने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की ना बुराई नहीं करनी चाहिए आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छटा पीडिया डफर कह जा रहे हैं गुनाह मिलेगा आपको इसका पहली बता रही हूँ फिक्र नहीं करो तुम लोग की भी शादी हो जाएगी लेकिन उसके लिए ना थोड़ा मोटापा कम करना पड़ेगा चलो ये क्या लगा के फिरते हो तो खाली है लेंसेस लगाए हुए ये तो मैं आदत है मुझे पहनने की मेरे लगता कल्ला मुंडा नहीं है कुड़ी नहीं करेगा कि मुंडा भी करेगा थोड़ा जा नाल क्या बावला दे दिया मुझे अम्मा बिरयानी आ गई टीचर के सामने तो आराम से बात करो वो क्या है कि मेरी मिस को ना बहुत भूख लगती है क्लास में भी ना बार बार खाना खाती रहती थी और अभी सहेलियों का चेहरा तो देखिए कैसा लटका हुआ इसलिए तो पूछूं कि बिरयानी कब आएगी अम्मा बिरयानी कब आएगी अब्बा बिरयानी कब आएगी आ जाएगी बेटा अम्मा क्या मेरी शादी नहीं होगी अरे शादी तो तेरी हो ही रही है लेकिन शादी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है अम्मा तुम भी बावली हो शादी की अकल की जरूरत नहीं होती शादी के लिए तो ढोल की जरूरत होती है ऐसे ही नहीं डॉक्टर हमाद की अम्मा आंसू बहा रही थी मेरे लिए अच्छा बस बंद करो क्या ये अपने एक्स का जिक्र तो मुझे उसके घर ले गई अपने हस्बैंड के सामने अपने एक्स का जिक्र करते शर्म नहीं आती तुम्हें आपकी तो अंग्रेजी भी सारी खराब है हमाद ना एक्स से नहीं एड से शुरू होता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं किसी शट अप ये टफर मेरा जहेज हथिया के मुझे अपना सड़ा हुआ सूट दे के मुझे नकली चेक थमा गई तो है तुम्हें शर्म नहीं आती ये नहीं सोचा कि बच्ची दुल्हन बनी बैठी है मेरे गले से जेवर तक उतार लिया तुमने हमार हमार बेटा आया भी आइए आइए आपका इंतजार था मेरे पुराने मंगेतर ये अब मेरे शौहर हैं पता है और मेरे पास भी है कहाँ गए ये रखो
इतना अच्छा वो कोई चीज है, मेरे पास भी है। अच्छा, इससे हजार गुना ज्यादा अच्छा और इतना जहीन। फर पहाड़े सुनाते, चले जरा एक पहाड़ा तो सुनाते। क्या कर रहे हो गाइस? वीडियो कैंट से भी मजा आया मेनू देख के, है ना? क्लिप्स कैंट से, आई थिंक ड्रामा भी कैंट होगा। मुंडे की एक्टिंग मेनू बहुत सोहनी लगी है, कुड़ी ने भी मतलब वधिया कीते। डायलॉग्स बहुत जबरदस्त लिखे है, जेडे भी डायलॉग राइटर है उन्होंने डायलॉग्स बहुत सुपर्ब लिखे है। स्टोरी यही है कि मुंडा कुड़ी दोनों ही थोड़े झले जे है, तो उन्होंने किदा कमिस्ट्री है वह दिखा रहे हैं, ये बिच परिवारों का भी थोड़ा बहुत दिखाया। सो टोटली ड्रामा जरा मैं तो एंटरटेनिंग लगा। और ये इदा लग रहा है जिदा मतलब ये अमीर घर चाई गई है कुड़ी, कमली कुड़ी, और मतलब ना उन्हें ट्रे लेके आई, प्लेट ची मतलब ले आके बिस्किट खा रही है। आप कैंडी ट्रे वगैरह रखते हैं भी, जिवें वो दिखा रहे हैं बड़े घर दे, बड़े घर दे तो उस तो भी ज्यादा वधे घर दे है, जिवें वो चीजां हैं भी बेइज्जती ना हो जाए मेरी फ्रेंड्स करके, तो घरे भेज दिंदी आपदे। आहो, उहनूं इन्नी समझ भी नहीं लगदी कि मैनूं क्यों भेजिया, उहदी मां उहनूं दसदी है, लेकिन मेरे ख्याल फिर भी नहीं उहनूं यकीन होया होणा। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਮਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਦਿਸ ਡਰਾਮਾ। ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਿਪਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਪੋਇਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਲਿਪਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।